नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या करते थे, नए यूट्यूबर तो अक्सर ऐसा करते हैं कि अपनी वीडियोस को, जो यूट्यूब की वीडियो होती है, उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं और वहां से कुछ व्यूज उनके आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी व्हाट्सएप ने एक ऐसा अपडेट किया है कि अब आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे अपना यूट्यूब का वीडियो तो भी यूट्यूब पर व्यूज काउंट नहीं होगा। और मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या ये अपडेट है और कब तक सभी व्हाट्सएप में आ जाएगा और इससे नए यूट्यूबर्स को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी तक शायद ही YouTube पर किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, सबसे पहले शायद मैं ही बना रहा हूं। तो चलिए कुछ आज नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए अभी तक होता क्या था कि हम हमारी वीडियोस का जो लिंक है उसको कॉपी करके और अगर फेसबुक पर शेयर करते हैं तो वहां पर होता ये था कि वो जो वीडियो थी वो फेसबुक पर ही चल जाया करती थी और यूट्यूब तक जो यूजर्स था वो पहुंच ही नहीं पाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आपको भी पता है फेसबुक जो है और गूगल का है, यूट्यूब और फेसबुक एक अलग कंपनी, इन दोनों में काफी कॉम्पिटिशन है, आज भी है, पहले भी था और अभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा क्योंकि फेसबुक वॉच और यूट्यूब में जबरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो होता यह है कि जब भी हम कोई भी कॉपी करते हैं लिंक किसी भी यूट्यूब वीडियो का, फेसबुक पर हम शेयर करते हैं तो फेसबुक अपने ही प्लेटफॉर्म पर उसको चला देता है, यानी कि जब भी कोई यूजर आएगा उस पर क्लिक करेगा तो उसी प्लेटफॉर्म पे, यानी फेसबुक पर ही वो वीडियो चलेगी और जो यूजर है वो यूट्यूब तक पहुंचेगा नहीं, तो आपका व्यूज काउंट नहीं होगा। हालांकि इसके लिए काफी सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट थी जो उसको लार्जर थंबनेल करके मतलब फेसबुक पे शेयर करने का ऑप्शन देती थी जिससे हमारा व्यूज काउंट हो जाता था। लेकिन अभी मैं आपको चीज बता दूं कि व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है और मैं यहां पर बीटा वर्जन यूज करता हूं व्हाट्सएप का, तो ये अपडेट मुझे पहले ही मिल गई है। हो सकता है आप अगर बीटा वर्जन यूज करते हो तो आपको भी ये अपडेट मिल गई होगी और थोड़े दिनों बाद, क्योंकि बीटा वर्जन में जो भी अपडेट आती है थोड़े दिनों बाद सभी व्हाट्सएप में आ जाती है, तो आपका अगर नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको भी ये अपडेट आ जाएगी। अब इस अपडेट में क्या होगा, वो कैसे होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साइड में मेरा मोबाइल ओपन है और यहां पर मैंने अपना जो सेकंड चैनल आर्टिस्ट योगी योगेंद्र वो ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताता हूं। देखिए ये है वीडियो और मैं इसको शेयर कर रहा हूं जो कि मैं कभी शेयर करता ही नहीं हूं, बस आपको समझाने के लिए शेयर कर रहा हूं। और मैंने यहां पर जो है अपना व्हाट्सएप जो है सिलेक्ट कर लिया। व्हाट्सएप सिलेक्ट करने के बाद मैं जिस फ्रेंड को आपको भेजनी है वो फ्रेंड को सर्च कर लेता हूं। मैंने सर्च किया और मैंने यहां पर जो है वीडियो अपनी सेंड कर दी। अब यहां पे नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ये बीटा वर्जन है यूट्यूब इसका व्हाट्सएप का और इसमें ये फंक्शन आ गया है। देखिए अपडेट में क्या बताया कि अभी वीडियो जो आ रही है वो एक अलग तरीके से शेयर होती है, आपको दिखाई दे रही है, नॉर्मल में एक अलग तरीके से शेयर होती है। यहां पर नुकसान यह है कि अगर कोई नीचे जो ब्लू कलर का आपका लिंक है इस पर अगर कोई क्लिक करता है जिसको आपने शेयर किया तब तो वो YouTube पे पहुंच जाएगा, तो और वहां पे अगर वो वीडियो देखेगा तो आपका व्यूज भी काउंट होगा और वो अगर चैनल पसंद करता है तो सब्सक्राइब भी करके जाएगा। लेकिन यहां पर एक नई चीज आ गई है कि अगर सीधा वो प्ले पे क्लिक कर देता है, जैसे मैंने प्ले पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं वीडियो जो है यहीं पर ही प्ले हो गया है। अब आप देखिए वीडियो यहां पर प्ले हो रहा है, तो मैंने वीडियो तो प्ले कर हो रहा था उसको मैंने पॉज कर दिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा रहा है दिस वीडियो इज प्लेइंग इन पिक्चर इन पिक्चर, और ये देखिए यहाँ व्हाट्सएप पर ही ये जो है प्ले हो जाएगा। तो यानी कि अब जो वीडियो है हम व्हाट्सएप पे जब शेयर करेंगे आने वाली अपडेट्स में, जो सभी नॉर्मल व्हाट्सएप पे थोड़े दिन बाद मिलने वाली है, तो भैया अगर उसने प्ले पे क्लिक किया यूजर ने तो वहीं पर व्हाट्सएप पर ही प्ले कर देगा उस वीडियो को और उस यूजर को ना तो यूट्यूब तक पहुंचने देगा, तो ना तो आपको व्यूज काउंट होगा और ना ही वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि वो चैनल तक पहुंचेगा ही नहीं। तो यार ये व्हाट्सएप का अपडेट कितना नुकसानदायक हो सकता है यूट्यूबर्स के लिए, आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यार ये थी कुछ आज की नई जानकारी, व्हाट्सएप पे एक ऐसा अपडेट जो कि यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और भाई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, तभी आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।